तो ये मेन लुक है, पैच वर्क। 14-15 kg का सामान आपका इसमें रहता है। तो यहाँ पे होलसेल रेट में मिल जाएगा, कलमकारी में आपको इस तरीके से काम मिल रहा है। ये हैंडलूम कपड़ा है। ये जो बैग होता है ना, इसमें आप अगर गर्म डब्बा रख रहे हो तो ये गर्म ही रहेगा। इस तरीके से उसको ओपन करना है। और ये भी एक फाइल फोल्डर है, इतना सुंदर लग रहा है, वाओ। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज के ब्लॉग में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक ऐसा हिडन लोकेशन जहाँ पे इस तरीके से कुछ जो बैग्स होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं और होलसेल में सेल भी होते हैं। तो बेसिकली ऐसे बैग जो मैंने आज लिए हैं वो आपने मार्केट में बहुत जगह पे देखे होंगे, बट ये बनते कहाँ पे हैं या फिर बल्क में अगर आपको ऑर्डर देना है, बिजनेस करना है तो कहाँ पे मिलेगा, वो आज मैं आपको बताऊंगी। तो मैं कहाँ पे हूँ, भाईकला में। ये मेरे सामने जो आप देख रहे हो ना, ये भाईकला स्टेशन है, ठीक है। भाईकला स्टेशन से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर ये यहाँ पे एक स्कूल है, लैंडमार्क बता रही हूँ आपको। ये लैंडमार्क है, स्कूल है, रेजिना करके स्कूल है, उसके बाजू में ही ये कंपाउंड है, ठीक है। इसको भी आई गेस रेजिना कंपाउंड ही बोलते हैं। इसका पूरा जो एड्रेस है वो भी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। तो इस कंपाउंड से आपको अंदर जाना है और अंदर जाते ही वहाँ पे ही एक उनका फैक्ट्री है, ठीक है। वहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो थोड़ा मैं आपको अंदर लेके जाती हूँ। यहाँ पे आपको उनका एक छोटा सा यहाँ पे एक फैक्ट्री करके जो है वो नजर आएगा, जहाँ पे आपको बहुत सुंदर सुंदर वैरायटी मिलेगी। तो देखते हैं क्या क्या है, चलिए अंदर जाते हैं। तो अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं और आप मेरे आगे पीछे देख रहे हो कि ये सारी जो जूट बैग की वैरायटी है वो सारी जो है वो आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बेसिकली पूछते हैं कि जो स्टार्टिंग रेंज है होलसेल का वो क्या है, कितने रुपए से स्टार्ट होता है यहाँ पे? ओके, 30 रुपए से स्टार्ट है। ओके, और 30 रुपए में आप देख रहे हो कितनी सुंदर वैरायटी है। इस तरीके से यहाँ पे लेस है, प्रिंटिंग किया हुआ है सारी चीजें, और यहाँ पे आप देखो जिपर भी दिया हुआ है। 30 रुपीज में और क्या चाहिए आपको? ये आप अगर बाहर भी सेल करोगे तो आपको अच्छा खासा उसका जो प्रॉफिट है वो भी मिल जाएगा। ये कितने वाला है? ये भी सेम रेट है, सुपर। ये देखो इस तरीके से कुछ सबका फिनिशिंग में आपको दिखा दूँ। देखिए बॉक्स टाइप इसको ओपन कर लिया अच्छे से, उसके बाद साइड भी अच्छे से दिया हुआ है, तो स्पेस अच्छे से आपको यहाँ पे यूज हो जाएगा। कितना भी छोटा बैग हो, स्पेस बहुत अच्छा दिया है, सुपर। ये देखिए, नॉर्मली आप ऐसे बैग्स देखते हो ना, ये अगर आपको सेल करना है, खुद का बिजनेस करना है या आपका होलसेल है, तो आपको यहाँ पे होलसेल रेट में मिल जाएगा और आपको थोड़ा सा बल्क में खरीदना पड़ेगा। टोटल कितना पीस खरीदना पड़ता है एटलीस्ट होलसेल में? मिनिमम 12 या 6। 12 या 6, ओके। मतलब एक सैंपल में आपको मिनिमम 12 या 6 पीसेस खरीदने पड़ते हैं। और ये ऐसी कुछ वैरायटी हर एक इसमें अवेलेबल होती है कलर्स। वाओ, प्रिंट्स देख रहे हो, सुपर। मतलब मैं इस तरीके का काम फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। देखिए बहुत अच्छी तरीके से सबका फिनिशिंग है और बहुत क्लासी लुक भी देता है। देखिए इसका जिपर देखिए, क्वालिटी देखिए इसकी, ठीक है। काम बहुत अच्छे से किया हुआ है। ये तो आपको मतलब हर एक इसमें पैटर्न इतने अच्छे अच्छे बने हुए हैं, देखिए सुपर। और यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें, मतलब डेफिनेटली मैं बोलूंगी कि आप अगर बिजनेस कर रहे हो और आपको कुछ यूनिक चाहिए ना मार्केट से, सो दिस इज बेस्ट ऑप्शन, दिस इज बेस्ट प्लेस। ये देखिए यहाँ पे भी दिखा रहा है, कुछ कलरफुल ऑप्शन चाहिए आपको, थोड़ा सा अलग चाहिए, जैसे आप ये ऑफिस यूज के लिए भी यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो हम लोग अभी देख रहे हैं ना, ये खास होलसेल के लिए है। आप मतलब सिंगल पीस यहाँ पे नहीं मिलता आपको, अगर बल्क में चाहिए, गिफ्टिंग के लिए चाहिए या आपको आपका बिजनेस है तो इसके लिए आपको ये यूज हो जाएंगे इस तरीके से। और आपको काफी कम रेट में मिलते हैं ये मार्केट से, ठीक है। 70-80 के अंदर आ जाएंगे ना, मतलब अभी जो हम लोग वैरायटी देख रहे हैं ऑलमोस्ट 70-80 है, मतलब 100 के अंदर की सारी वैरायटी देख रहे हैं ये। और इसको पास से देख लीजिए, इन्होंने 2-साइडेड बनाया है इसको, सुपर। ये क्या है? दो बैग। ओके, ये किसके लिए काम आता है? गिफ्ट के लिए। ओके, गिफ्ट के लिए आपको अगर प्रॉपर ऐसा जूट बैग चाहिए तो यहाँ पे देखिए आपका गिफ्ट अंदर जो है वो बाहर से विजिबल हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे पूरा ऐसा ट्रांसपेरेंट दिया है और इसका क्वालिटी देखिए, ये साइजेस है उसमें। वाओ, ये देखिए, ठीक है, ये इसका देखिए ये साइजेस और प्रिंट्स देखिए, लेस का काम किया हुआ है, इतना सुंदर। आपको अगर गिफ्टिंग के लिए किसी को देना है जो बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, इस तरीके से कुछ लगेगा। देखिए इसको भी अगर बड़ा है तो उसको बॉर्डर भी एकदम थिक रखा है, जिससे पूरा जो है उसका फैंसी लुक आए, एक गिफ्टिंग लुक आए, इसलिए इसको इस तरीके से क्रिएट किया है। ये देखिए टिफिन के लिए यूज कर सकते हैं, ऐसे कुछ बैग्स भी हैं यहाँ पे जो आपको ऐसे नॉर्मली कैजुअली यूज करना है टिफिन रखने के लिए, छोटा मोटा चीज रखने के लिए, तो आप यूज कर सकते हो। और इसका फिनिशिंग मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से कुछ आपको यहाँ पे दिया गया है,
और ये मुझे ये एक चीज पसंद आई कि ये जो फोल्ड के लिए दिया गया है ना, इतना मजबूत है। मेन वही होता है कि ये टूट जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। इन्होंने क्या किया है, फोल्ड के लिए ही काफी आपको ऐसा थिक दिया है यहाँ पे पूरा रस्सी। ये ऐसा लग रहा है कि ये पेंट किया हुआ है, इतना अच्छा सा उसका लुक जो है वो क्रिएट किया है, डिजिटल प्रिंट रहता है ना ये। ओके, इतना सुपर्ब लग रहा है, ऐसा लग रहा है पेंट किया। आप यहाँ पे आकर अगर देखोगे ना तो ऐसा लगेगा पूरा पेंट किया हुआ है। और इसका कपड़ा भी देख लो, ये मल्टी कलर में अगर आपको चाहिए तो मल्टी कलर भी है इस तरीके से। और यहाँ पे देखो पैच वर्क भी दिया हुआ है, और आगे से भी आपको एक यहाँ पे जिप दी गई है। मतलब फीचर्स इतने अच्छे रखे हैं ना कि बोलते हैं ना कम रेट में आपको इतने अच्छे फीचर्स मिलेंगे कि आप अगर इसको होलसेल से रिटेल में अगर आपको बेचने जाना है तो आपको इसका अच्छा खासा जो रेट है वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि इसमें फीचर्स ही उतने अच्छे दिए गए हैं। ये किस चीज़, ये भी गिफ्टिंग के लिए काम आता है। ओके, मतलब आपका गिफ्ट जो है वो यहाँ पे अगर रखा है तो इस तरीके से कुछ शो होगा। और ये लेस जो है, जैसे हम लोग किसी को गिफ्ट देते हैं तो थोड़ा बोलते हैं ना थोड़ा सा अच्छा लुक आना चाहिए, इसलिए इसको लेस से क्रिएट किया है। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारी जो बल्क में जो चीज़ें होती है, ये कितने का पूरा ये बल्क होता है, ये रखा हुआ रहता है पीसेस का, कितने पीसेस का? एक बंडल में 25 पीस रहता है। 25 पीस रहता है, ओके। और क्या वैरायटी है इसके अलावा? इसके अलावा कलमकारी में, कलमकारी में है। वाओ, ये देखो कलमकारी में आपको इस तरीके से काम मिल रहा है। मतलब अगर आपका साड़ी वगैरह जो है कलमकारी का, इसके ऊपर ये प्रॉपर लग सकता है। देखिए दो अलग अलग वैरायटी भी दिखाई है उन्होंने। और ये आप अगर किसी भी मतलब स्टोर में या आपके शॉप में रख रहे हो तो वो भी अच्छा लुक आएगा। और यहाँ पे देखिए जिप भी दिया गया है। तो नॉर्मली कैजुअल यूज़ जो होता है कि हमें नॉर्मली बाहर जाना है तो उसके लिए आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। देखो कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है, सुपर। ये चीज़ जो है ना, मुझे लग रहा है फीमेल्स के लिए एकदम कंफर्टेबल यूज़ करने के लिए है। इसको जिप दिया गया है, उसके वजह से कंफर्टेबली आप इसमें सामान भी रख सकते हो, तो सेफ्टी का भी चिंता नहीं करना है आपको। तो ये जो है मुझे लग रहा है ये एकदम बोलते ना हॉट सेलिंग पीस जैसा रहता है वैसे कुछ है। और इसका वर्क इस तरीके से कलमकारी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली अगर आपको मैसेज देना तो इस तरीके से भी कुछ होता है। आप कस्टमाइजेशन भी करते हैं क्या? ओके, तो यहाँ पे कस्टमाइजेशन होता है। मतलब जैसे ये जूट बैग है, इस पर कुछ प्रिंट किया हुआ है, आपने देखा गो ग्रीन लिखा हुआ है, तो आपको कुछ आपके कंपनी का प्रिंट करना है या फिर लोगो प्रिंट करना है, नाम प्रिंट करना है और किसी को गिफ्ट हैम्पर देना है इसमें कुछ रख के, तो वैसे भी हो जाएगा। ये कस्टमाइजेशन भी करते हैं, राइट? इनका ही मैन्युफैक्चरिंग है तो ये कस्टमाइजेशन भी करते हैं। तो खास ये होलसेलर के लिए आज वीडियो बन रहा है, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा आपको इसमें ब्लिंक वाला लुक चाहिए तो इस तरीके से इसमें जरी है शायद, ये आप देख रहे हो गोल्डन जरी दी गई है और बाजू में लेसेस भी है। पानी बोतल, ये बॉटल रखने के लिए। वाओ, ये देखिए इसमें आपको बॉटल रखने के लिए दिया गया है। ओके, मतलब आपको थोड़ा डिसेंट लुक वाला चाहिए ना, तो ये देखिए इन्होंने बहुत सुंदर पीस दिखाया है। देखिए प्लेन है ये, पूरा जूट का ही बैग है। और यहाँ पे बॉर्डर पे देखिए इस तरीके से पानी बॉटल रखने के लिए। वो साइड भी आप देख लो, वहाँ पे थोड़े बड़े टोट बैग्स हैं, वहाँ पे थोड़े बड़े जूट बैग्स हैं। मतलब जिनकी साइजेस जो होती है वो अभी बड़े हैं, क्योंकि जो हम लोग ने अभी तक देखा वो छोटे थे। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सामान रखना है वगैरह उसके लिए काम आ जाएगा। और मैंने अभी आपको जो बताया ना कि आपको कस्टमाइजेशन मिल जाएगा, तो इस तरीके से कुछ लुक भी आएगा, ठीक है। यहाँ अलग अलग प्रिंट है मैडम। ओके, बड़े इसमें भी प्रिंट है। ओके, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, सुपर। ये सारे डिजिटल प्रिंट होते हैं। ओके, ये देखिए इसका लुक। और इसके अंदर है ना आपको इस तरीके से कुछ है काम, और ये बॉक्स टाइप इस तरीके से दिया गया है। मतलब बहुत ज़्यादा सामान भी आपका रह सकता है इसके अंदर। ये देखिए कितनी बड़ी साइज है, इसकी साइज देखिए। इसमें कितना किलो का सामान आ जाएगा? 10 किलो तक आ जाएगा। वाओ, ये देखिए इतना बड़ा है ये बैग। और मेन है ना यहाँ पे जिपर भी दिया गया है, ये देखिए। मतलब कंफर्टेबली आप इसको कहीं भी ले जाने के लिए यूज कर सकते हो इस तरीके से। आप ही दिखा दीजिए, ये देखिए इसका साइज कितना बड़ा साइज है। और मेन मैं आपको एक थोड़ा पास से इसका क्वालिटी दिखा देती हूँ। ये देखिए क्वालिटी देखिए, सुपर। मतलब हर एक का जो बोलते हैं ना प्रोडक्ट क्वालिटी है ना, वो इतना थिक मटेरियल और इतना थिक है ना कि मतलब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। वन टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको सोचने की जरूरत नहीं, ये लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज़ है। तो ये बड़े इसमें सारे ये कलर्स ऑप्शन है, दिखा दीजिए क्या क्या है। ये देखिए ये यहाँ पे देखिए कितना सुंदर बना हुआ है, पूरा ट्रेडिशनल लुक दे रहा है। इसके बाद क्या है, ये देखिए थोड़ा आपको फ्लावर वर्क चाहिए तो वैसे भी है।
ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, वाओ। तो ये बड़े इसमें सारे ये कलर्स ऑप्शंस है, दिखा दीजिए क्या क्या है। ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए कितना सुंदर बना हुआ है, पूरा ट्रेडिशनल लुक दे रहा है। इसके बाद क्या है, ये देखिए थोड़ा आपको फ्लावर वर्क चाहिए तो वैसे भी है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, वाओ। इस तरीके से कुछ प्रिंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, बड़े बैग्स में भी बहुत क्लासी प्रिंट्स है इस तरीके से कुछ। ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इस तरीके से ये बड़े है। मतलब आप शॉपिंग वगैरह के लिए जा रहे हो, बहुत सारी शॉपिंग करनी है लोकल मार्केट से, तो ये बेस्ट है। ये देखिए ना कितना अच्छे से इसको कलर कॉम्बिनेशन किया है। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये सिर्फ पैच नहीं है, ये पॉकेट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सामान रखने के लिए दिया, और इस तरीके से कुछ इसका पूरा अंदर से स्पेस है। ये भी एक देख लीजिए, इसके ऊपर भी ये देखिए, यहाँ पे भी आपको एक पॉकेट दिया है, उस पर वुडन बटन दिया हुआ है, ठीक है। ये देख रहे हैं वुडन बटन है, और इस तरीके से कुछ यहाँ पे आपको ये वेलक्रो भी दिया गया है, तो अच्छे से इसको आप ऐसे रख सकते हो, उसके बाद अंदर भी स्पेस है। मुझे लग रहा है ना, आप यहाँ पे आओगे ना, आपको इतनी वैरायटी है कि आपको मतलब सोचना पड़ेगा कि आप क्या क्या आपके शॉप में रख सकते हो या क्या क्या आपके स्टोर पे रख सकते हो, इस तरीके से कुछ वैरायटी है। तो अभी मैं इनके ना एकदम ऐसे ट्रेंडिंग वाले सेक्शन में आपको लेके जा रही हूँ, क्योंकि मैं आते ही यहाँ पे गई थी और इतने सुपर यहाँ पे वैरायटी थे। ये देख लो, कुछ इस तरीके से ऑफिस वेयर बैग्स जो रहते हैं ना, एथनिक बैग जिसको बोलते हैं, उसका कलेक्शन भी आपको यहाँ पे मिलेगा। और प्रिंट्स देखो, पैटर्न्स देखो, सुपर्ब है। और ये देखो, इसको उन्होंने मुझे बताया था, इसको हेम्स बोलते हैं। हेम्स मतलब ये जो मटेरियल होता है इसका, ये यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से मटेरियल होता है, जो बहुत ठीक होता है और इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है। ये देखिए इस तरीके से कुछ लुक आएगा इसका। और जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि इसकी जो अंदर की पूरी जो डिटेलिंग है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए अंदर से कुछ इस तरीके से आपको काम मिलेगा। ये कपड़ा देखिए, अंदर भी कपड़ा है, जिप दिया गया है, और यहाँ पे एक ऐसे छोटा सा पॉकेट भी दिया गया है छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए, और ऐसे कुछ लुक आएगा इसके। ये देखो अच्छा लग रहा है, एकदम एथनिक और अच्छा लग रहा है। इसकी स्टार्टिंग रेंज क्या रहती है? 170 से स्टार्टिंग है, वाओ। ये देखो इसमें प्रिंट दिखा दो भैया, ये देखो इस तरीके से कुछ प्रिंट्स भी है ये पूरा। और यहाँ पे पीछे से देखो, ये मेन लुक है, पैच वर्क, ठीक है, इतना सुंदर किया हुआ है पैच वर्क। और ये देखो इस पे भी पूरा पैच वर्क है, दो कंपार्टमेंट्स है। हाँ ये देखो, यहाँ पे अंदर इस तरीके से दिया है पॉकेट, ये देख लो इसका पूरा जो रनर है इस तरीके से, बहुत स्मूथ। और ये देखिए आगे भी आपको छोटा मोटा सामान रखने के लिए स्पेस दिया गया, सुपर। और क्या है यहाँ पे? ये टिफिन बैग है, ओके। मतलब अगर आपके बैग में कोई कंपार्टमेंट नहीं है जिसमें आपको टिफिन रखना है, या लीक हो जाए, या फिर वो गर्म है, ऐसा कुछ है आपकी चीजें, तो ये देखिए इस तरीके से एक बैग यहाँ पे आपको मिलेगा। तो अब आपके बैग में रख सकते हो ऑफिस के, और इसको ऐसे खोल दो तो अंदर यहाँ पे आपको ऐसे फॉइल पेपर जैसा ये लुक आता है, बट इसको बोलते हैं इंसुलेशन। मतलब क्या होता है, मैंने सुना है इसके बारे में कि इन्होंने मुझे बताया था कि ये जो बैग होता है ना, इसमें आप अगर गर्म डब्बा रख रहे हो, आपको जाना है ऑफिस में और आपका गर्म डब्बा है, इसमें आपने रख दिया, इसको पैक कर दिया इस तरीके से, ठीक है, ये पूरा सील पैक ऐसे होता है, तो ये गर्म ही रहेगा। एक अच्छी वैरायटी। ये टोट बैग्स है, मतलब इसको झोला बैग जैसे बोलते हैं, अभी जो गर्ल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, इसकी वैरायटी देख लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से, वाओ। इसके प्रिंट्स है ये सारे, ये देखिए, मतलब आपको वाइट कलर में चाहिए तो वाइट कलर में अभी आपको इस तरीके से प्रिंट मिलेगी। ये देखिए, मतलब जो ऑनलाइन आप बिजनेस कर रहे हो तो उसमें भी आप ऐसे कुछ चीज़ें रख सकते हो, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो। ये देखिए, ये मुझे बहुत पसंद आया, मतलब ये मेरे साइज़ और हाइट के हिसाब से बहुत सुंदर लग रहा है। देखो ये मैं आपको सारे प्रिंट्स क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको एक आइडिया हो जाए कि यहाँ पे क्या क्या और किस किस तरीके के प्रिंट है। ये ओके, ये देखिए इसमें आपको ये अभी जो मैंने आपको वैरायटी दिखाई उसमें आपको विद जिप चाहिए, ठीक है, वो ओपन थे, ये विद जिप है। इसको अगर आपको पूरा बंद चाहिए तो आप इसको जिप भी लगा सकते हो, और फिर उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये विद जिप वाला बैग है। ये यहाँ पे लैपटॉप बैग है, वाओ, लैपटॉप बैग देखिए कितनी सुंदर है, सुपर्ब। ये देखिए इसकी स्पेस, और पूरा ऐसे डबल कपड़ा दिया है जिसके वजह से आपको ये इजीली रखने के लिए काम आ जाए, और इस तरीके से आप इसको पूरा बंद करके रख सकते हो। और क्या वैरायटी है इसमें, लैपटॉप बैग में भी वैरायटी है, ओके। मतलब इसको आप ऐसे यूज कर सकते हो, देखो ऐसे लगा दो, अगर आपको होल्ड करना है आप होल्ड कर सकते हो, और अंदर जो है वो कुशन जैसा काम दिया है, देख लो यहाँ पे
कुशन जैसा है पूरा। और ये देख लो यहाँ पे भी आपको मतलब जैसे हमारा चार्जर हो जाता है, माउस हो जाता है, तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हो अलग से, और फिर इसको यहाँ पे बंद कर दो, ठीक है। तो ये सुपर्ब है। और यहाँ पे आगे भी पॉकेट्स है। ये एक बैग दिखा दो भैया, बहुत क्लासी लग रहा है, ये देख लो सुपर्ब। ये जो है ना, ये मुझे लग रहा है एकदम क्लासी पीस है, मतलब जितना डिसेंट है उतना इसका लुक बहुत एलिगेंट आ रहा है, देखो इस तरीके से। और इसके अंदर जिप भी दी गई है, अंदर एक पॉकेट है, उसको भी जिप है, तो अच्छे से इसका जो बोलते हैं ना ऑफिस लुक आ रहा है इसका, देखो कितनी सुंदर लग रही है। इनके पास काफ़ी ट्रेंडिंग ऑप्शंस हैं, काफ़ी ट्रेंडिंग ऑप्शंस हैं। अभी मुझे पता चला कि ये हैंडलूम कपड़ा है, पहले मैं आपको इसका लुक दिखा देता हूँ। ये जो है ना, ये हैंडलूम कपड़ा है जिसका पैच बनाया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे लेस किया है थोड़ा ट्रेडिशनल लुक देने के लिए, और फिर इसको आप ऐसे फाइल फोल्डर की तरह यूज़ कर सकते हो, सुपर। और इसके बाद यहाँ पे ना अभी उन्होंने मुझे एक चीज़ दिखा है, इसको बोलते हैं शीतल पट्टी। ये जो है ना बीच में, मतलब ठंडा रहने के लिए जैसे यूज़ किया हो, तो उसको बोलते हैं शीतल पट्टी। और ये क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ, उसका अनबॉक्सिंग दिखाती हूँ। इस तरीके से उसको ओपन करना है, और ये भी एक फाइल फोल्डर है, ठीक है। मुझे पहले लगा था ये लैपटॉप बैग है, बट ये फाइल फोल्डर है जिसमें आप यहाँ पे अगेन सारी चीज़ें रख सकते हो, और इसको बंद करके एज अ फाइल इसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। और एक चीज़ है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट यहाँ पे एक बैग है, मतलब आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको बाहर जाना है कुछ दिनों के लिए, तो 14-15 किलो का सामान आपका इसमें रह जाएगा, 14-15 केजी का सामान आपका इसमें रहता है, और इसको आप ऐसे पकड़ सकते हो ऐसे ट्रैवल करने के लिए, या फिर इसको ऐसे आप, इसका जो जिप है वो मैं आपको बंद करके दिखाती हूँ, ऐसे बड़ा, काफ़ी बड़ा बैग आप इसको ऐसे लगा सकते हो। और मेन चीज़ जो है ना मुझे पसंद आई वो है यहाँ पे स्ट्राइप जो है उसको इस तरीके से आप निकाल भी सकते हो। और मेन चीज़ है कि इसका थिकनेस देखो, ये जो है ना, ये जो आपको मिल रहा है, मतलब काफ़ी अलग अलग जो हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, जैसे ऑफिस हो गया, ट्रैवल हो गया, नॉर्मली भाजी वगैरह लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं, नॉर्मली किसी छोटे मोटे फंक्शन में जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे है जूट बैग में स्पेसिफिक, ठीक है। तो मैं तो एक आपको चीज़ सजेस्ट करूँगी कि अगर आप ऐसे कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें लेना चाहते हो, और आपका बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, और आपको कुछ नया चाहिए जूट बैग में, तो दिस इज़ द परफेक्ट लोकेशन। इनकी सारी डिटेल्स मैं यहाँ पे नीचे दे रही हूँ, आप यहाँ पे आके ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, और आपका जो बिजनेस है उसको और ग्रो कर सकते हो। तो डेफिनेटली दिस इज़ अ परफेक्ट लोकेशन फॉर होलसेलर्स। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, और ऐसी वीडियो के लिए फॉलो कीजिए।